रिम झिम गिर सावन सुलग सुलग जाए मन, बिरहा की इस मौसम में जागे कैसे ये लगन। शोमो का फीस जमा करने के लिए बाहर गए थे तो इसीलिए बिल्कुल भीग के घर लौटे हैं। अभी अच्छा ही नहीं लग रहा है कुछ भी होममेड कुक करने के लिए या फिर खाने के लिए, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो इसीलिए ऑर्डर दे दिया था लाच्छा पराठा एंड फ्राइड राइस और वो आ गई है। हम शौर्य को सुलाने के बाद खाएंगे, मैं और शोमो। शोमो और शौर्य का जो दादाजी है वो संभाल रहे हैं शौर्य को। वो बिल्कुल यहाँ पे घुस गए हैं किचन में, वो शोमो को लेकर। ये देखिए हो शौर्य के माफिक तो आप कोई भी काम अनइंटरप्टेडली कर ही नहीं सकते। मैं यहाँ बात कर रही हूँ और वो नीचे से मुझे पकड़ के उठने की कोशिश में जा रही है, क्योंकि अभी चलने फिरने सीखना है उसे। क्रॉल तो बहुत अच्छी तरह कर लेता है लेकिन अभी पकड़ पकड़ के जो उठता है ना वो बहुत डेंजरस है। तो मैं चेयर पे बैठ के भी आपसे अगर बात कर रही हूँ उसका मतलब भी है कि शौर्य आसपास है, वो कुछ ना कुछ चीज़ को सपोर्ट लेके उठने की कोशिश में लगी हुई है। बारिश हो रही है इसीलिए बाहर तो वो घूम फिर के जो टाइम स्पेंड करता है और फिर अम्मा जी के घर जाता है वो कुछ वो कर नहीं सकते। तो इसीलिए घर में सब बंद है, सब बोर हो रहे हैं और वो काफ़ी बोर हो रही है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि घर में ही कुछ इस्तेमाल करके बना लिया जाए और कुछ ऑर्डर किया जाए। काफ़ी समय से हम लोग रेस्टोरेंट कोई विजिट नहीं कर रहे हैं बिकॉज ऑफ शौर्य। कहाँ गया? अच्छा यहाँ है। बिकॉज ऑफ शौर्य तो इसीलिए घर में ही हम जोमैटो से या फिर स्विगी से मंगवा के खा लेते हैं। आइए देखते हैं क्या ऑर्डर किया है आपने। बाहर हो रही है बारिश और इसीलिए हम बाहर से कुछ मंगवाए हैं मेरे लिए और शोमो के लिए। एक साथ मिलके बहुत दिन लंच नहीं की, शौर्य उठा हुआ रहता है तो एक एक करके लंच करना पड़ता है। कभी शोमो रखता है और शौर्य सोता रहता है तब मैं खा लेती हूँ, कभी मैं रखती हूँ और शौर्य को और शौम खा लेता है। तो इसीलिए प्लान किया है आज मैं और शौम बाहर से ऑर्डर करके कुछ भी खा लेंगे। और ये जो राइस उबल रही है ये है मेरी ससुर जी के लिए और शौर्य के लिए। बैकग्राउंड में जो नॉइज़ है वो बिल्कुल अवॉइड नहीं करने वाली है, वो शौर्य के लिए है। मैं किचन में हूँ तो इसीलिए वो भी किचन में है। ये राइस दो लोग खाएंगे, मेरी ससुर जी और शौर्य। और यहाँ मैं कुक कर रही हूँ चिकन। ये देखिए चिकन में थोड़ा ग्रेवी ज़्यादा हो गया था तो इसीलिए इसे स्लो फ्लेम में मैं बिठा के रखी हूँ कि ये गर्म भी रहे नरम भी रहे। और जो भी ऑर्डर करेंगे इसी के साथ मैं और शौम सर्व कर लेंगे। आज एक साथ डिनर कर देंगे और एक साथ लंच भी करेंगे, यही प्लान है। और आप देखेंगे मेरे घर के सबसे छोटे जो कुक है उसको, आइए मैं आपको दिखाती हूँ कहाँ रहता है ये कुक। बहुत खुश मिजाज से ये जो मिड केस है ना हमारी,
वो खोलने की कोशिश में जारी है। ये जोमैटो से हमने ऑर्डर किया है और बाहर बहुत 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 बारिश हो रही है, तो इसीलिए मैंने सोचा चिकन करी बना लेते हैं और ये ऑर्डर कर लेते हैं। इसमें है लच्छा पराठा, आई थिंक दो लच्छा, और इसका जो लिड है ये शौर्य के पास है, अभी नहीं ले सकते, धमाल मचा देगा। और इसमें है शायद शौर्य अभी खेलने में बिजी है, तब मैं क्या कर लेती हूँ, मैं अपनी सोमकी और सोमल तीन जो लोग हैं जो चिकन खाने वाले हैं उनका जो चिकन है वो परोस लूँगी। बच्चे अगर छोटे हो तो आपको ऐसे ही काम करना होता है, आप कभी भी शांति से कोई भी काम नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ आपका बैकग्राउंड में चलता रहता है जो आपकी अटेंशन ड्रॉ करने में तुली होती है। अभी शौर्य क्या कर रहा है पता है, मैं देख रही हूँ, जूते से खेल रही है। ये चिकन परोस लूँ उसके बाद उसके हाथ पैर धुला के पूरी तरह सैनिटाइज करके मुझे ठीक करना पड़ेगा उसको। मैं तो यहाँ से नहीं उठूँगी, अभी वीडियो भी चल रही है, एडिटिंग करनी है, बहुत सारे काम होते हैं। थोड़ा सा ही चिकन बचा था, एक्चुअली ये चिकन लाया था शौर्य के लिए, शौर्य के लिए मैंने थोड़ा सा चिकन का सूप बना लिया और उसके बाद जो बचा उसी से हम आज चिकन खाने वाले हैं। चिकन बहुत होता है, ये कोई दिखाने वाली चीज़ नहीं है, शेयर कर रही हूँ कि कैसे चलता है मेरा डे टू डे लाइफ, मेरी ब्लॉगिंग ये सब कैसे चलता है। ये मैं कर लिया अपना काम ख़त्म और वहाँ जाके आप देखते हैं शौर्य क्या कर रही है। ये है मेरी, ये है सोमकी और ये है मेरी हस्बैंड। बच्चे संभालते संभालते हम सब लोग पागल हो चुके हैं पूरा, अभी भी राइस पकना थोड़ा बाकी है, चिकन हो गई है, लेकिन शौर्य को जो संभाले ना तो उसकी तो दाद देनी पड़ेगी, उसको संभालना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। आज एक्चुअली हम यहाँ खाने का प्लान किया है क्योंकि हम एक साथ खा नहीं पाते हैं, एक तो ये बात है और दूसरा बारिश देखते देखते खाने की प्लान है। और सोमो को तो मैं नहीं पाती कभी भी, दोपहर में जब खाती हूँ तब वो नहीं रहता, वो शौर्य के पास रहता है। आज शौर्य को मैंने सुला दिया है अपने लिए, एक प्राइवेट टाइम निकालने के लिए शौर्य को सुला दिया है, उसका लंच भी हो चुका है और हम मिलके अब लंच करेंगे, इसीलिए आज यहाँ लंच किया। चिकन ये मेरी वाली, ये चिकन, और लच्छा पराठा। हाथ से खाने का जो मजा है वो आपको किसी चीज में नहीं मिलेगी, अगर आप चॉपस्टिक से खा लो या फिर स्पून इस्तेमाल कर लो, फोर्क इस्तेमाल कर लो खाना, तो
तब आपको नहीं मिलेगी ये मजा। हाथों में ऐसे हड्डी निकला, छोड़िए, हाथों में ऐसे चिकन का लेग पीस थमा के जो खींचने में जो बहुत जायका जितना लगता है ना, वो किसी और चीज में नहीं लगता। कितने दिन हो गए ऐसे फ्रीली खाते हुए, लास्ट ऐसे फ्रीली कब खाए थे हम पता नहीं।